और खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर गाजियाबाद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात देखने को मिली है, जहां पर बता दें कि 5 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर ये लूट की है। गन पॉइंट पर लेकर घटना को दिया है अंजाम, जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए बदमाश। पीड़ित राजकुमार की पुत्री को लिया था गन पॉइंट पर। रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के राजधानी एनक्लेव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे, जहां पर बता दें कि गन पॉइंट पर लेकर इस दौरान लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े डकैती की वारदात को इस दौरान अंजाम दिया गया है। इतना ही नहीं, 5 हथियार बंद बदमाशों ने घर में घुसकर ये लूट की है और गन पॉइंट पर लेकर इस दौरान लूट की गई है। तो गाजियाबाद का मामला, जहां पर आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, पेट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के राजधानी इनक्लेव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, और साथ ही बता दें कि गाजियाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान जेवरात और नकदी लेकर बदमाश जो हैं वो फरार हो चुके हैं, वहीं गन पॉइंट पर लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। 5 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की है और गन पॉइंट पर लेकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इतने नहीं, जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए बदमाश। और पीड़ित अगर राजकुमार की बात की जाए तो उनका यह भी कहना है कि बेटी को गन पॉइंट पर लिया था और उसी के बाद इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। क्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र के राजधानी इनक्लेव का ये मामला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अगर जितेंद्र बात की जाए, इस दौरान गाजियाबाद में गन पॉइंट पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्या इस मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये गाजियाबाद के थाना लोनी टोनका सिटी का मामला है और यहाँ पर इस तरह की वारदातें पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। ऐसी एक घटना हुई है जहाँ पर पहले एक युवक एक घर के मकान के गेट पर पहुंचता है, गेट बजाकर कुछ जानकारी जुटाता है। जैसे ही घर में महिला मौजूद थी, वो गेट खोलती है तो इसी दौरान दो युवक और आ जाते हैं और उनसे लगभग लाखों की लूट को अंजाम दे देते हैं। और ये सब कुछ कल शाम 5 बजे के आसपास, और सबसे बड़ी बात, गन पॉइंट पर ये काम किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। वो आप दिन के समय में भी लूट जैसी वारदात को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर पुलिस की बात की जाए तो क्या पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया है जो इसकी जांच कर रही है और लगातार सघन अभियान चला रही है। लगातार जो वाहन चेकिंग अभियान है उसको भी चलाया जा रहा है ताकि इस तरह के जो बदमाश हैं, अगर वो यहाँ इधर उधर से गुजरते हैं और पुलिस को सूचना मिलती है तो उनको गिरफ्तार किया जा सके। तमाम ऐसी चीजें चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, फिर भी बदमाश बेखौफ बड़े आसानी से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।